तो साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने अभी से अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। बीते दो लोकसभा चुनाव और हाल ही में राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में कांग्रेस अब राजनीतिक रणनीति की पक्षधर है और राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर का सहारा ले रखी है। प्रशांत किशोर के सुझावों पर काम करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने वरिष्ठ नेताओं का एक पैनल तैयार किया है और कल के बाद आज भी 10 जनपद पर इन नेताओं की मैराथन बैठक चलती रही। हफ्ते भर में ये पैनल अपनी रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजेगा। बताया जाता है कि प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को यूपी, बिहार और ओडिशा में अकेले चुनाव लड़ने का सुझाव दिया है। वहीं तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में गठबंधन के साथ लड़ने का सुझाव दिया है। बताया यहां तक जा रहा है कि प्रशांत किशोर के सुझावों पर राहुल गांधी ने अपनी सहमति दी है। प्रशांत किशोर ने 2024 के चुनाव में कांग्रेस को 370 सीटों पर फोकस करने का सुझाव दिया है। तो अब आपको बता रहे हैं ग्राफिक के माध्यम से कि कांग्रेस की जो पीके कमेटी है उसमें कौन कौन है। तो आपको बता दें, दिग्विजय सिंह, मुकुल वासन, रणदीप सुरजेवाला इस कमेटी में शामिल है और केसी वेणुगोपाल, पी चिदम्बरम, अंबिका सोनी, जयराम रमेश भी इस पैनल का हिस्सा है। पीके कमेटी में कौन कौन शामिल है वो आपको बता रखे हैं। दिग्विजय सिंह, मुकुल वासन, रणदीप सुरजेवाला इस कमेटी का हिस्सा है। तो तमाम नेताओं के नाम हमने आपको बताए हैं जो इस खास कमेटी का हिस्सा बने हैं और ये कमेटी जो है रणनीतिक लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है और अब पार्टी में कुछ रणनीतिक बदलाव आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। पार्टी की जो स्ट्रेटजी है वो बदल सकती है, पार्टी का वोटर के प्रति अप्रोच बदल सकता है, क्योंकि मैराथन बैठकें हो रही है। रणनीतिक तौर पर कुछ बड़े बदलावों के संकेत यहाँ नजर आ रहे हैं। ये बड़े बदलाव क्या होंगे ये देखना होगा, क्योंकि अब आने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर पार्टी तैयारी में जुट गई है।